जब मैंने लास्ट कुछ महीनों पहले फरवरी मार्च के आसपास मैंने अपना रिवेन्यू शेयर किया था लोगों के साथ पे, तब मेरा अराउंड था $400 के आसपास, एंड जो लास्ट मंथ जो मैंने रिवेन्यू जनरेट किया है वो मोर देन। सो गाइस क्या हाल है, पीछे नया सेटअप देख रहे हो? अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली मैंने मैक परचेज करा था एंड पूरा सेटअप पूरा आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में पूरा रेडी हो चुका है। तो अगर आप लोगों को भी मेरा कंप्लीट सेटअप टूर चाहिए कि कौन सा मॉनिटर है, कौन सा आई मैक है, कौन सा मैंने एप्पल का प्रोडक्ट लिया है, क्या सेटअप है, पूरा लेटेस्ट मैंने अपग्रेड कर चुका है, तो वीडियो को अभी लाइक करो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ आपको सेटअप टूर, जो कि एक एक चीज मेरे स्टूडियो में मेरे सेटअप में क्या क्या अगर आपको जाननी है, ये सेटअप आप देख रहे हो पूरा कंप्लीट सेटअप के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड नए सेटअप के साथ मैं लेके आ रहा हूं हमारे चैनल पर एक और अमेजिंग न्यू इमर्जिंग ब्लॉगर को, जो कि ब्लॉगिंग में काफी अच्छा खासा कर रहे हैं बिना एडसेंस के। वो अपने ब्लॉग से यहां पर $1000 पर मंथ की अर्निंग कर रहे हैं जीरो से लेके कुछ ही महीनों में। अभी उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हुए, कुछ ही महीनों में वो अपने ब्लॉग को जीरो से $1000 तक लेके जा चुके हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने अभी मैकबुक एयर M2 भी परचेज करा अपनी ब्लॉगिंग की अर्निंग से। उसके बाद उन्होंने अपने फादर को यहाँ पर वन प्लस का मोबाइल फोन गिफ्ट करा, उससे पहले उन्होंने अपने लिए अपनी ब्लॉगिंग की अर्निंग से लिया। तो मुझे लगा मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, पर्सनली उनसे मिला हूँ, तो सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, कैसे वो कर रहे हैं, आज के टाइम में कितनी अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक देखना है, सेटअप टू पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेटअप टूर चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस आज हमारे साथ हैं इंद्रजीत भाई, जो कि ब्लॉगिंग में काफी अच्छा खासा कर रहे हैं, काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे इनसे इनकी सारी नॉलेज निचोड़ने की, और ट्राई करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ इनकी बेस्ट वैल्यू कैसे ये ब्लॉगिंग से अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, सब कुछ शेयर करने की। तो इंद्रजीत भाई ओवर टू यू, सबसे पहले अपने बारे में आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो एक बार। तो भाई मैं राजस्थान में एक मानसौरा सिटी है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, एंड अभी फिलहाल मैं ब्लॉगिंग करता हूँ एंड यूट्यूब करता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग। एंड अभी जो मतलब मेरी जो एज है वो भी अराउंड 17 के आसपास है, तो वो 12th के साथ में कर रहा हूँ इस चीज़ को। ओके ओके, सो अभी आप 17 इयर्स के हो, स्कूलिंग कर रहे हो, साथ में ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब, ये सब कर रहे हो। यस यस, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो भाई को पर्सनली जानता हूँ, मैं इनसे मिला भी हूँ एक दो इवेंट में, पर्सनली बातचीत भी करी है, तो काफ़ी अच्छा है ये ब्लॉगिंग में कर रहे हैं। तो भाई एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि ब्लॉगिंग के बारे में आपको पता कैसे चला, अभी आप स्कूल में हो, मुझे तो अपने कॉलेज टाइम के बाद पता चला था, आपको कैसे पता चला एंड आपने कैसे इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया? तो भाई बात इसी है कि सबसे पहले चले जाता हूँ 2020 की बात है, तो पहले क्या था, पहले मेरे को सिर्फ ये लगता था कि ब्लॉग स्पॉट पे जाना है, आर्टिकल कॉपी पेस्ट करना है, एडसेंस से अर्निंग होगी अपनी। लेकिन फिर जैसे आपने बताया ओरिजिनल ब्लॉगिंग के बारे में अगर मैं कहूँ, तो मेरे को पहले उमर भाई की जो है ना वो वीडियो दिखी थी सतीश भाई के चैनल के ऊपर, तो वो जब मैंने वीडियो देखी थी ना तब मुझे पता चला कि हाँ ब्लॉगिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और जो मैं आज तक जो ब्लॉगिंग को समझ रहा था उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। तो मतलब वही है कि इनिशियली जितने भी लोग आते हैं उनको मोस्टली वही चीज़ें दिखती हैं कि कॉपी पेस्ट या ब्लॉग स्पॉट पे। तो आपने भी ब्लॉग स्पॉट पे कुछ ब्लॉग्स बनाए थे या कैसे आपने चीज़ें स्टार्ट कैसे करी है? कुछ क्या भाई, मैंने कम से कम 5 से 6 कॉपी पेस्ट ब्लॉग बनाए थे। अच्छा, तो उनसे कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ ट्रैफिक, कुछ मतलब कुछ भी आपको दिखा कि हाँ भाई ये चीज़ें वर्क? ऐसा हुआ था, मैं क्या पहले YouTube का डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करता था, पहले एक YouTube चैनल हुआ करता था जिसको मैं फॉलो करता था शुरुआत, मेरे को नहीं पता था कि वो सही बताते या गलत, तो पहले वो जो बोलता था मैं अभी मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो उनको मैं फॉलो करके फिर ऐसे उल्टी चीज़ें करता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कम से कम 30 से 40 पोस्ट लिख दी थी कॉपी पेस्ट करके, वो भी मैं दो दो तीन तीन दिन में इतनी पोस्ट लिख रहा था। उसके बाद में फिर जब मेरे को थोड़ा बहुत कुछ कुछ पता चला तो मैंने ब्लॉग पोस्ट पे जो जो भी पोस्ट वगैरह डाली थी वो सारी डिलीट कर दी, एंड डिलीट करने के कुछ एक महीने बाद मैंने जब अपना सर्च कंसोल खोला था उसी ब्लॉग स्पॉट वाले ब्लॉग का, तो वहाँ पे देखा कि वो पोस्ट पे इंप्रेशन आ रहे लाखों के। फिर मेरे को पता चला तो मतलब इंप्रेशन तो आ रहे थे, तो क्लिक्स वगैरह आए या फिर वही मतलब नहीं, बाकी सबके साथ होता है भाई? अगर मैं थोड़े अगर कीवर्ड की बात करूँ ना, तो कॉपी पेस्ट में भी वो वाले कीवर्ड थे कि सोनू शर्मा का कोर्स ने, इस टाइप के कीवर्ड थे वो। अच्छा, तो ये तो हो गई चलो कॉपी पेस्ट वाली। जो रियल जेन्युइन ब्लॉगिंग है वो आपने कब से स्टार्ट करी है? रियल जेन्युइन ब्लॉगिंग, एक ऑथेंटिक ब्लॉगिंग जो बोल सकते, 2020 में अक्टूबर में।
क्योंकि तो आई थिंक आपको 1-1.5 साल ही हुआ है एंड अभी आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हो, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो एक जो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अक्टूबर 2020 में स्टार्ट करी, आपको 1-1.5 साल लग गया या रिजल्ट लाने में, तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ आपको मतलब अपने ब्लॉग से पोटेंशियल दिखना की अर्निंग दिखनी कब स्टार्ट हुई थी, कितना टाइम लगा था एंड अगर कोई बिगनर है उसको कितना टाइम लग सकता है आपके ब्लॉग से मतलब किसी ब्लॉग से अर्निंग करने में? तो भाई यहाँ पे मैं 2 से 3 चीज़ बोलूँगा आपको कि सबसे पहला तो मेरे साथ जो सीन हुआ था, मतलब मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, अब इनिशियल डेज में ना अर्निंग की बहुत दिक्कत होती, तो इनिशियल डेज में क्या मैं क्लाइंट वर्क में घुस गया था, तो मेरा टाइम किसने ले लिया, क्लाइंट वर्क ने ले लिया पहली बात, जबकि मेरे को उसमें जाना नहीं था। बाद में पता चला मेरा मेन इंटरेस्ट तो ब्लॉगिंग में, ब्लॉगिंग ही करना है। फिर बीच में जो MLM नाम की चीज़ होती है जिसमें मैं फंस गया था, उसकी वजह से मेरे 2 से 3 महीने खराब हो गए। तो काफ़ी लोग हैं भाई, अगर वो नहीं हुआ होता ना तो जो मैंने 1 साल में मेरा पोटेंशियल अर्निंग शुरू हुई थी वो मेरी कुछ ना कुछ 6 महीने में ही शुरू हो जाती अगर मैं ये कहूँगा। तो अगर एक बिगिनर है, अगर वो भटकता नहीं है और सही बंदे को फॉलो करता है और सही बंदों की गाइडेंस में काम करता है वो, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ वो 6 से 7 महीने में 10,000 की मिनिमम अर्निंग पर मंथ कर सकता है वो अपने ब्लॉग से। हाँ बिल्कुल, लाइक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, प्लस अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको सही तरीके से सही पाथ पे गाइड करे तो आप 6-7 महीने में इजीली ब्लॉग से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो आपको शॉर्टकट्स बता रहे हैं, रियल तरीके नहीं बता रहे, फिर तो आपको, जैसे मुझे जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे टाइम पे इतने लोग नहीं थे बताने वाले, बहुत कम थे, तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल 1.8 ईयर्स लग गए थे अर्निंग करने में। बट उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मेरे को इतना लगाया तो हो सकता है बाकी लोगों को, मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में वो अपना ब्लॉग सक्सेसफुल कर पाए। तो वही चीज़ है, अगर आप जेन्युइनली लोगों को जो रियल तरीके बता रहे हैं, जो खुद उन चीज़ों को कर रहे हैं और फिर उनको बता रहे हैं, उनको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको जल्दी सक्सेस मिल सकती है। यस यस, ओके भाई, ओके। तो अगला क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ही है कि आपने चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, आपको जेन्युइन ब्लॉगिंग पता चल गई, अब आपकी फर्स्ट पेमेंट कितने टाइम में आई थी, और फर्स्ट पेमेंट थोड़ा सा बिगनर को आप मोटिवेट कर दो कि फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी आपकी एंड आपका रिएक्शन क्या था, आपके घर पे आपने अपने पेरेंट्स वगैरह को बताया तो वहाँ पे क्या रिएक्शंस था उनका? अगर मैं यहाँ पे भी 2 चीज़ बताऊंगा आपको कि फर्स्ट जो पेमेंट आई थी मेरी ब्लॉगिंग से नहीं, ब्लॉगिंग की वजह से आई थी। जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था ना अक्टूबर में, जैसे अक्टूबर 10 को मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, तो अक्टूबर 30 को के आसपास ही मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात भी करी है कि 250 रुपये मुझे मिले थे क्लाइंट से, जहाँ पे मैंने एक क्लाइंट के लिए उनके सर्च कंसोल की एरर सॉल्व करी थी। और अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग से ही, मतलब ब्लॉगिंग के अंदर से कहाँ से मुझे आई, तो मेरे को एक स्पॉन्सरशिप मिली थी सबसे पहली, इसके मुझे 750 रुपये मिले थे। तो लाइक तब आपने अपने घर पे ये चीज़ें शेयर करी थी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, या फिर आपने सोचा कोई डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हो जाए तब हम शेयर करें? नहीं भाई, मेरा ऐसा है कि जब से मैं आपको बताऊंगा कि घर पे तो नहीं, लेकिन मैंने अपने पापा को शुरुआत से लेकर एंड तक कभी भी जहाँ जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ मैं अपने पापा के साथ में शेयर करता हूँ। कि जब भी मैंने जब मैंने शुरुआत करी थी होस्टिंग वगैरह के लिए, तब भी मैंने शुरुआत में पापा से ही सबसे पहले समझाया था उनको, उनसे बात करी थी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप उनको सही से समझाओगे तो वो समझ जाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक चीज, अगर किसी भी बंदे को, नए बंदे को ब्लॉग स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करे, मतलब कैसे वो अपना निश फाइंड करे, कैसे वो फाइंड आउट करे कि इस सेक्टर में मुझे काम करना है, और आपने कैसे फाइंड आउट किया था कि भाई मुझे ब्लॉगिंग निश में ब्लॉगिंग ही लोगों को सिखानी है और ब्लॉगिंग ही करनी है भाई? तो अगर निश सिलेक्शन की मैं बात करूँ, कैसे आप निश सिलेक्शन करते हो? तो भाई ऐसा है कि मैं निश सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखता हूँ, और अपना इंटरेस्ट के साथ में देखता हूँ कि उस नीश के अंदर क्या मुझे प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। अगर उस नीश के अंदर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी लगती है देन मैं अर्निंग करता हूँ। आज भी मैं जो 2-3 ब्लॉग मेरे जो मेन है जिनसे मेरी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो वो ब्लॉग के ऊपर मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। वो 3 नीश ऐसी हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और साथ में जिसमें इंटरेस्ट भी है और प्लस साथ में उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरी निकल रही है।
ग्रेट, मतलब जो जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस पे काम करो एंड देख लो कि भाई उस निश में लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर। आपका इंटरेस्ट भी मैच कर रहा है और अगर उस निश में लोग रिवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट निश है। क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे निश पे काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, देन आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने में आपको 6 7 8 महीने लगेंगे हाँ एंड उस टाइम पीरियड के बीच में आप बोर हो जाओगे, आप अपना काम करना छोड़ दोगे तो आपके लिए नुकसान है। तो बराबर। ऐसे निश पे काम करोगे जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, तो एक बार को 5 6 महीने बाद रिजल्ट नहीं आ रहे होगे तो भी आप हाँ सोचोगे अरे भाई कोई नहीं, मजा तो आ रहा है मुझे काम करने में, आर्टिकल लिखने में, मैं करते रहता हूँ, बराबर। वही तो वही चीज है। बिगिनर को तो तो अगर कोई न्यू भी है ना, तो उसको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें शुरू करना चाहिए। बाद में भले ही एक बार उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ब्लॉगिंग में, उसके बाद वो किसी भी निश में काम कर सकता है। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, बहुत बहुत सही बात बोली भाई आपने। इनिशियली जिसमें इंटरेस्ट है उसी में काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ऐसे ब्लॉग काम करता है, ऐसे आर्टिकल लिखने, ऐसे SEO करना है, ऐसे रैंक कराना है, ऐसे बराबर। इमेज बनानी है, मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जब आपको पता चल जाएगी भाई ब्लॉगिंग ऐसे काम करती है, ये करने पर ब्लॉग रैंक होगा, ये करने पर ब्लॉग रैंक नहीं होगा, इसको करने से रिवेन्यू जनरेट होगा, देन आप किसी भी निश पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपको एक रोड मैप पता है कि भाई ये स्टेप्स मुझे करने हैं, इन इन स्टेप को फॉलो करके मैं अपना ब्लॉग ग्रो कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, जैसे कि कोई भी नया बंदा आता है तो सबसे पहले उसको यही चीज़ें पता चलती है कि ब्लॉग बनाओ और उस पर एडसेंस अप्रूवल ले लो एंड एडसेंस से अर्निंग करो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको कैसे, आप अभी अभी मोस्टली आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो इनिशियली आपने एडसेंस को ट्राई करा है या नहीं करा है, एडसेंस के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाई देखो, एडसेंस के साथ में मेरा शुरुआत से कुछ सही जमा नहीं, क्योंकि मेरे शुरुआत में भी जैसे मैंने बताया मेरे को एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कॉपी पेस्ट वर्क था। उसके बाद भी अगर मैं वर्डप्रेस पे जब भी शिफ्ट हुआ, तो वर्डप्रेस में आने के बाद भी जो अफिलिएट में मैं घुस गया, क्योंकि मैंने अफिलिएट का बहुत सुना भी था, मेरे दिमाग में ये बैठ गई थी मेरे को अफिलिएट से इनकम करनी है। क्योंकि एडसेंस में क्या कि जितना ट्रैफिक चाहिए ना, उसके 10% के ट्रैफिक में मैं अफिलिएट से उतना रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। अब वो निश टू निश भी डिपेंड करता है कि आप अफिलिएट निश पे काम कर रहे हो या फिर किसी गाइड वाले ब्लॉग पे काम कर रहे हो, उस हिसाब से। बिल्कुल, लाइक मैं मेरे को भी यही है। आप काफ़ी लोग इसमें ये डिबेट भी करते हैं कि एफिलिएट बढ़िया है, एडसेंस बढ़िया हाँ है। मेरा मानना ये है कि निश टू निश डिपेंड करता वही है। आपका कोई ऐसा निश है जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसमें आप कोई कमर्शियल कीवर्ड्स नहीं है, जिसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आप एडसेंस से अच्छी मोनिटाइजेशन कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई आपका ब्लॉग है जहाँ पर आप थोड़े ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, कमर्शियल कीवर्ड है, जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाईली टारगेटेड ऑडियंस है, तो वहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते बराबर हो। तो मेरे हिसाब से ना एडसेंस बढ़िया है ना एफिलिएट बढ़िया सही है, है। दोनों डिपेंड करता है कि आपके निश के हिसाब से कौन सी चीज़ें अब बेस्ट ये होती भी हैं। है कि तो आप बोल हाँ, रहे, हाँ, बिल्कुल तो बताइए। एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अब मान लो अभी जैसे मैं एक ब्लॉग पे ऊपर और काम कर रहा था, जैसे अपन मिले थे तब भी मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर क्या सीन था हाँ कि हाँ मेरे को अफिलिएट से अब ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब मैं अफिलिएट से जितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ ना, उसका 1% भी मुझे एडसेंस से अभी वहां से नहीं बढ़ रहा है, जबकि मैंने एडसेंस उस पर भी लगा रखा है, क्योंकि मुझे एडसेंस का भी थोड़ा बहुत लर्न करना है इसलिए। लेकिन अब भी जो मेरे को ये पता चला, हाँ लाइक अभी मैं एडसेंस उससे रिमूव कर रहा हूँ। बिकॉज है ना, क्या हो रहा है कि अगर आप अफिलिएट कर रहे हो ना, और अगर आपकी अफिलिएट से रिवेन्यू अच्छी हो रही है, तो एडसेंस की एड हटाना बेटर है। तो उससे यूज़र का इंटरफेरेंस और ज़्यादा बढ़िया होगा, और जो यूज़र आपके वेबसाइट पर आ रहा है उससे आपके अफिलिएट का कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक जो आपने मेरे को बताया था, हम निश तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हाँ बट जो आपने मेरे को बताया था उस ब्लॉग पे मोस्टली आपका एफिलिएट ही चलेगा, उसमें एडसेंस से बहुत कम रिवेन्यू आपका जनरेट होगा, वही एफिलिएट से आप बढ़िया कर रहे हो उस ब्लॉग पे एंड एफिलिएट ही कंटिन्यू रखो। तो अब एफिलिएट का तो आपने बता दिया, एफिलिएट के आपने बेनिफिट्स भी बता दिए, और आप बोल रहे हो कि एडसेंस आपने ट्राई भी नहीं करा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस कोई अच्छा खासा नहीं है। तो एफिलिएट का पोटेंशियल पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, मतलब एफिलिएट को आप एक ब्लॉग पे कितना लंबा खींच सकते हो या उसको किस हद तक आप ग्रो कर सकते हो, पोटेंशियल क्या है एफिलिएट मार्केटिंग की आपके अकॉर्डिंग, एंड आपने जब स्टार्ट करा था तब से लेके अब तक आपका एफिलिएट रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है? भाई अगर मैं बताऊंगा अफिलिएट रिवेन्यू की, तो अफिलिएट रिवेन्यू तो जहाँ पहले 0 के आसपास था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है, वो तो ग्रो हो गया। एंड सेकेंड चीज़, जैसा कि आपने बोला कि पोटेंशियल अफिलिएट मार्केटिंग का, तो अफिलिएट मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है ना, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। बिकॉज आज के टाइम पे मैं दूसरों की क्यों बात करूँ, मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरे घर में भी 90% चीज़ें हैं ना, पहले जो है ना ऑफलाइन मार्केट से आती थी, लेकिन अब 90% चीज़ें भी ऑनलाइन से परचेज की जाती है। तो कहीं ना कहीं, और ऑफलाइन में भी,
ऑनलाइन में परचेस करने से पहले भी घर वाले हों या चाहे कोई भी इंसान हो, वो हमेशा एक बार तो गूगल पे जाके देखता है कि क्या ये चीज़ बेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल, रिव्यू तो देखता है। तो अगर वो वहाँ पे जाके देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एफिलिएट मार्केटर की इनकम बढ़नी है, कम तो यहाँ पर होनी ही नहीं है। तो एग्जैक्टली लाइक पोटेंशियल अमेजिंग है। आप एफिलिएट के थ्रू एक ब्लॉग को आप एक ही ब्लॉग से आप $10,000 $20,000 भी आप इजीली निकाल सकते हो। और भाई की अगर मैं बात करूं, भाई अभी हार्डकोर एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग से ही अपना खुद से मोबाइल फ़ोन भी परचेज करा था। उसके बाद रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले की बात है, भाई ने अपना मैकबुक भी लिया है। तो उसके बारे में भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो, लाइक वो कैसी जर्नी थी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था और मैकबुक ही आपने कैसे डिसाइड करा? भाई ऐसा था कि पिछले साल की बात है वो मैकबुक के बारे में, तो मोबाइल तो ऑब्वियसली बात है मोबाइल तो मेरे को लेना ही था। बर्थडे था तो मेरे को ऐसा था कि मोबाइल मैंने बर्थडे पे लिया था, तो बर्थडे पे ऐसा था कि मुझे कुछ तो अपने आप को गिफ्ट करना है ताकि मैं अपने आप को और मोटिवेट कर पाऊँ काम के प्रति। तो इसलिए मैंने मोबाइल मेरे को लेना भी था एंड मैंने अपना बेस्ट फ़ोन लिया है जो मेरे को लेना था शुरुआत से वही। एंड अगर मैं बात करूँ मैकबुक की, तो मैकबुक मेरा एक विजन लिस्ट में था एंड गोल लिस्ट में था कह लो आप, कि मैंने लास्ट ईयर हाँ लेना ही था, वो लेना ही था। मतलब कि ये कह रहे हो पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात होगी जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मैकबुक लेना है। और मैंने डिसाइड किया था मैकबुक एयर M1 लेना है, वो भी कब, मुझे लेना है दिवाली के धनतेरस के आसपास तक। लेकिन मैंने उससे कई जल्दी भी ले लिया एंड कह लो कि मैंने M2 भी ले लिया। तो वो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर अपने विजन लिस्ट में कुछ भी चीज़ जोड़ते हो और अगर वो चीज़ फ़ायदेमंद है, अब जैसे मान लो मैंने मैकबुक लिया तो मैंने ऐसा नहीं कि मेरे को शो ऑफ वो ऑफ करना है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को उसमें एडिटिंग करनी है, मेन बेस तो ये है और काम करने में भी प्रोफेशनली लगता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, यस बिल्कुल, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा, आपकी जर्नी इजी करेगा डेफिनेटली। मेन चीज समय की बचत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए लोगों को बता भी दो, कौन सा वर्जन आपने खरीदा है, कितने का आपको पड़ा है, कैसे आपने मतलब कहाँ से खरीदा है? मैंने तो ऑफिशियल एप्पल से ही, एप्पल स्टोर से ही खरीदा था। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा, आप अटैच कर दीजिएगा। तो ऑफिशियल एप्पल स्टोर से परचेज किया था एंड मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट लगाने के बाद मुझे 1,10,000 रुपये का पड़ा था ये मैकबुक एयर M2 जो कि मैंने लिया 256। स्टूडेंट डिस्काउंट तो आपको 10-15% ईजिली, हाँ हाँ वो वही लगाने के बाद में 1,10,000 का पड़ा था एंड मैंने ऑनलाइन ही परचेज कर लिया था। ओके ओके ग्रेट। अच्छा तो भाई अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अब आप एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही ज्यादा बात करें। तो एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे लगाए पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहे जिसको जीरो नॉलेज है? तो उसके लिए मैं कहूँगा अगर किसी को मेनली एफिलिएट मार्केटिंग में घुसना है ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक जरिया जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अब आपको एफिलिएट मार्केटिंग से अगर पैसा कमाना है तो एक ट्रैफिक मीडियम ढूंढना पड़ेगा, भले ही वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉगिंग हो। अब ब्लॉगिंग में अगर आपको जाना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं पर अगर आपको फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट करना है तो आप यूट्यूब करो, यूट्यूब से आपकी अर्निंग होगी, वहां से आप अफिलिएट से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो बिगिनर के लिए मैं वही कहूंगा कि अगर बिगिनर के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर उस बंदे को है ना वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, अपने आप को वो लोगों के साथ में अच्छा मतलब बोल सकता है, अच्छा वीडियो परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको यूट्यूब पे आना चाहिए। एंड अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा शाय है, उसको लिखना पसंद है, तो वो ब्लॉगिंग में आ सकता है। एंड अगर किसी के पास अच्छा टाइम है जैसे कि मेरी तरह और आपकी तरह मान लो, तो वो ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब दोनों साथ में कर सकता है, उसमें और ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा उसको। बिल्कुल भाई परफेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली। मैं यहाँ पर यही शेयर करना चाहूँगा कि देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो ब्लॉग एफिलिएट मार्केटिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, आपके फ़ोन में इंटरनेट तो है ही, आपको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल खोलना है, उस पर वीडियोज़ बनानी है एंड आप धीरे धीरे उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, आपका चैनल ग्रो होगा, आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए टारगेटेड ऑडियंस। आप एक निश को पकड़ के यूट्यूब पे आप कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल सकते हो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं करना आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, ये सारे फ्री मीडियम्स हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठा लो। अगर आपको कैमरा फेस करने में शाइनेस है, कैमरा फेस नहीं कर सकते, इंट्रोवर्ड हो, तो आप ब्लॉगिंग का जरिया ले सकते हो। अब ब्लॉगिंग में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी,
वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, आपको 3-4 हज़ार रुपए में आपको सिर्फ एक डोमेन एक होस्टिंग लेनी है एंड आप अपना ब्लॉग सक्सेसफुली स्टार्ट करके उस पर आर्टिकल लिख के ब्लॉगिंग कर सकते हो। चीपेस्ट प्राइस में मिले तो मैं भी आप लोगों को होस्टिंगर ही रिकमेंड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस डील पेज पर पहुंच जाओगे, या फिर आप अपने URL में टाइप करना hostinger.com/blogging-QnA, आप इस डील पेज पर पहुंच जाओगे और $700 के बोनसेस भी हैं मेरी तरफ से, तो इस पार्ट को ध्यान से देखना। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे एंड यहां पर आप देख सकते हो जो होस्टिंगर की सेल है या जो भी डिस्काउंट अभी चल रहा है, ₹149 पर मंथ में आपको यहां पर होस्टिंग मिल जाएगी। तो सिंपली जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे आप यहां पर पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहां पर और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, एक पर्सनल कूपन कोड स्पेशली ब्लॉगिंग क्यू एन ए फैमिली के लिए। तो जैसे ही आप यहां पर आओगे यहां पर आपको 149 वाला प्लान सिलेक्ट करना है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैफिक ले सकते हो, 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज, फ्री वीकली बैकअप, अनलिमिटेड फ्री SSL, फ्री डोमेन, फ्री ईमेल और भी काफी कुछ आपको मिलता है। तो सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना, उसके बाद यहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना गाइज, अगर आपको $700 के बोनसेस चाहिए और जो एडिशनल 5-7% का डिस्काउंट है और प्राइस कम कराना है, तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए होस्टिंग लेनी है और आपका न्यू अकाउंट होना चाहिए अगर आपको बोनसेस और डिस्काउंट चाहिए। ऑलरेडी अगर होस्टिंगर पे अकाउंट है उससे जाके परचेज करोगे तो आपको बोनसेस नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। न्यू अकाउंट से न्यू gmail ID से जाके परचेज करना, 12 मंथ सिलेक्ट करना और यहां पर अगर आप देखोगे 12 मंथ का यहां पर प्राइस है ₹3,242। तो इसके बाद और भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो एक स्पेशल कूपन कोड है स्पेशली आप लोगों के लिए, तो हैव अ कूपन कोड में जाना और यहां पर आपको कूपन कोड डालना है ब्लॉगिंग Q&A। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन को लिंक को यूज करोगे, 12 महीने के लिए चूज करोगे, 1 साल के लिए लेना है एंड अप्लाई कर देना, आपका यहां पर प्राइस और भी कम हो जाएगा। देखो यहां पर ऑलमोस्ट आपके 200-250 रुपए और कम हो गए एंड होस्टिंगर की सबसे बढ़िया बात है यहां पर आप UPI, Paytm, नेट बैंकिंग, PayPal, गूगल पे, हर पेमेंट गेटवे आपको मिलता है, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट करते हो। और जैसे ही जो प्रोसेस मैंने बताया इसको फॉलो करके आप होस्टिंग लेते हो तो आपको $700 के बोनसेस मिलेंगे मेरी तरफ से, जिसमें आपको ओरिजिनल प्लगइन, ओरिजिनल थीम एंड यहां पर प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस $700 वाले बोनस पेज का लिंक दे दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 बोनसेस हैं, तो आपको करना क्या है, जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको फॉलो करके होस्टिंग परचेज करो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से एंड blogging@gmail.com पर मुझे अपना इनवॉइस सेंड कर देना एंड आपको ये सारे बोनसेस और कूपन कोड मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट है तो इस पेज पर सारी डिटेल मेंशन है, क्या क्या कूपन कोड है, क्या यहाँ पर आपको बोनसेस मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया इंद्रजीत भाई, अब थोड़ा सा हम मनी टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट होता है कि भाई अगला बंदा कर रहा है तो कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी अर्निंग कर रहा है, क्या मैं भी उतनी कर सकता हूँ नहीं। तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताओ कि आप अभी आज के टाइम में या लास्ट मंथ की आपकी कितनी अर्निंग थी, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो एंड कैसे आप उसको ग्रो करते जा रहे हो डे बाय डे। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ग्रोथ की बात कर लूँ तो ताकि लोगों को मोटिवेशन में मिलेगी थोड़ी सी, कि जब मैंने लास्ट कुछ महीनों पहले फरवरी मार्च के आसपास मैंने अपना रिवेन्यू शेयर किया था लोगों के साथ पे, तब मेरा अराउंड था $400 के आसपास एंड जो लास्ट मंथ जो मैंने रिवेन्यू जनरेट किया है वो मोर देन $1,000 का रिवेन्यू था। लाइक 4,000 आपने कब करा था, 400 आपने कब करा? 400 मेरा फरवरी मार्च के आसपास था एंड जो लास्ट मंथ का है वो $1,000 है। ओके, लाइक आप मार्च में $400 आप अर्न कर रहे थे ब्लॉग से और आपने 5-6 महीनों में ही उसको $400 से आप $1,000 लेके गए। बराबर। तो आप गाइस देख सकते हो कि पोटेंशियल कितनी है और ग्रोथ यहाँ पर कितनी है। वहीं अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको इतना हाइक कहीं भी नहीं मिलता, बट एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे आप एक महीने में $400 को 4,000 भी ले जा सकते हो, एक महीने में आप $400 को आपके ऊपर है, यहाँ पर $1,000 भी लेके जा सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड भाई अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, साथ में वो अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ अभी वो पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम ब्लॉगर ही है और काफी अच्छा खासा कर रहे हैं। तो भाई आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर कर देना, जरूर जरूर हो सके तो कुछ वीडियो फॉर्मेट में शेयर कर देना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स बिगनर्स को या जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? भाई तो मैं यहाँ पे दो तीन टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली तो है ना, जो भी बंदा है, अगर आप मंगेश भाई से सीख रहे हो चाहे किसी से भी सीख रहे हो, अगर कोई अपना अर्निंग स्क्रीनशॉट डाल रहा है तो वो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट करने के लिए डाल रहा है। और दूसरी चीज़ मान लो, जो बेसिकली जो भी बिगिनर्स रहते हैं ना, गलती ये करते कि वो जिससे सीखना चाहते हैं उससे क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। अभी लोगों के कमेंट्स एंड जो लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेजेस रहते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैकबुक परचेस किया था, तो किसी ने भी मेरे को ये नहीं पूछा कि भाई आप कोई सही स्ट्रेटेजी बताओ हमको जिससे कि आपने मैकबुक लिया, यानी कि जिससे कि आपकी अर्निंग इंक्रीज हो, जिससे कि आपके सबको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आपकी अर्निंग कितनी है। सबके यही क्वेश्चन थे कि आपकी अर्निंग कितनी है। भाई अर्निंग से बेटर आप ये जानो कि उस बंदे ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई जिससे कि वो ये चीज़ कर पाया, तो आप ग्रोथ हो पाओगे। बिल्कुल। एंड सेकेंड चीज़ अगर लाइक आपको रिजल्ट नहीं, हाँ। तो सेकेंड चीज़ भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे भी सीख रहे हो सही बंदे से सीखो, बिकॉज अगर आप गलत बंदे से सीखोगे तो ऑब्वियसली वो गलत चीज़ सिखाएगा एंड जिससे आप भटक जाओगे। तो सही बंदे से सीखो, जैसे कि ब्लॉगिंग वगैरह सीखनी है तो ऑब्वियसली मंगेश भाई से सीखो, सतीश भाई से सीखो, एंड आप मेरे से भी सीख सकते हो। बिल्कुल। तो वही मैं मैं अगर समरी दूँ तो आपको जिस भी बंदे की आप अर्निंग देख रहे हो, जिसकी बंदे की आप अचीवमेंट देख रहे हो, उसकी अचीवमेंट पे तो फोकस करो, प्लस उसके पीछे जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस उस बंदे ने फॉलो करा है, स्ट्रेटजी फॉलो करी है, मेहनत करी है, कैसे उसने काम करा है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दो रेदर देन आप एंड गोल पे ध्यान दो। एंड सेकेंडली, अगर आप सही बंदों से सही चीज़ों को फॉलो करते हो, जो आपको जेन्युइनली जो खुद कर रहे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप फॉलो करोगे तो आपको चांसेस है कि जो फेलियर के चांसेस हैं वो आपको लाइफ में कम आएंगे, क्योंकि वो लोग आपको वही चीज़ें बताएंगे जो कि वो कर रहे हैं, जिनसे उनको रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, इंद्रजीत भाई का ब्लॉग भी है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। भाई अपने यूट्यूब चैनल पे भी काफी एक्टिव है, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे इन्होंने काफी अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करी हुई है, एंड कैसे रिसेंटली अभी इन्होंने एक वीडियो भी डाली थी कैसे ये अपने ब्लॉग की अर्निंग $1,000 तक लेके गए हैं, तो वो सारी चीजें भी आप चेकआउट कर सकते हो, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये था पूरा काइंड ऑफ इंटरव्यू, काइंड ऑफ नॉलेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी इंद्रजीत भाई के थ्रू। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।